लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी आज बड़ी बैठक कर रही है। आपको बता दें उसवे की मीटिंग में क्या होगा और पहले सूची में कितने उम्मीदवारों के नामों पर आज फैसला हो सकता है, इस रिपोर्ट में जानेंगे। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले बीजेपी में महामंथन जारी है। उम्मीदवारों को लेकर बीजेपी में कई दौर की बैठकें हुई हैं। अलग अलग बैठकों के बाद अब अंतिम मुहर आज होने वाली बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में लगेगी। बताया जा रहा है कि इस बैठक में करीब 125 उम्मीदवारों के नाम तय किए जाएंगे। शाम 6 बजे हो रही इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत CEC के सभी सदस्य मौजूद रहेंगे। सूत्रों की माने तो आज CEC की बैठक के बाद बीजेपी उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर सकती है। बताया जा रहा है कि पहली सूची करीब 125 उम्मीदवारों की होगी। पहली सूची में हारी हुई और कमजोर सीटों के उम्मीदवारों की बहुलता होगी। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पहली सूची में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह जैसे दिग्गज नेताओं के नाम भी शामिल किए जा सकते हैं। इसके अलावा पहली सूची में राज्यसभा से बनाए गए मंत्रियों के भी नाम होंगे। इस सूची में 3 तरह के उम्मीदवारों की घोषणा हो सकती है। एक वो जो VIP सीटें हैं, दूसरे वो जो राज्यसभा से हैं और वो चुनाव लड़ सकते हैं, तीसरे वो जो अभी तक कमजोर सीटें रही हैं। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश को 17,500 करोड़ की सौगात देंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। प्रधानमंत्री मोदी विकसित भारत विकसित मध्य प्रदेश कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान करीब है। उससे पहले प्रधानमंत्री विकास से जुड़े कामों का तेजी से उद्घाटन और शिलान्यास कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज PM मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मध्य प्रदेश को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश को 17,500 करोड़ की सौगात देंगे, जिसमें सिंचाई, बिजली, सड़क, रेल, जल आपूर्ति, कोयला, उद्योग जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों से जुड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन और आधारशिला रखेंगे। PM मोदी साइबर तहसील परियोजना का भी शुभारंभ करेंगे। इसके साथ उज्जैन में विक्रमादित्य वैदिक घड़ी का भी लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री जिन परियोजनाओं की सौगात मध्य प्रदेश को देने जा रहे हैं, उनमें सबसे खास सिंचाई को लेकर परियोजना है। PM 5500 करोड़ रुपए से ज्यादा की सिंचाई परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं में अपर नर्मदा परियोजना, राघवपुर बहुउद्देशीय परियोजना और बसनी बहुउद्देशीय परियोजना शामिल है। इन परियोजनाओं से डिंडोरी, अनूपपुर और मंडला जिलों में 75,000 हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि को सिंचित किया जा सकेगा। इसके अलावा 2200 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनी 3 रेलवे परियोजनाएं भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल महाराष्ट्र को 49,000 करोड़ की सौगात दी है और PM ने किसानों की योजनाओं को लेकर 2014 से पहले की सरकारों पर सवाल उठाए। इंडिया गठबंधन को लेकर प्रधानमंत्री ने क्या कहा, इस रिपोर्ट में देखिए। यवतमाल में लोगों को संबोधित करते हुए PM मोदी ने कहा कि आज उनके एक बटन दबाते ही करोड़ों किसानों के खाते में 21,000 रुपए पहुंच गए, लेकिन अभी जो इंडी गठबंधन बना, जब उसकी सरकार थी तो क्या होता था, याद कीजिए। आप याद कीजिए, ये जो इंडी गठबंधन है, इसकी जब केंद्र में सरकार थी तब क्या स्थिति थी? तब तो कृषि मंत्री भी यही ये महाराष्ट्र के थे। उस समय दिल्ली से विदर्भ के किसानों के नाम पर पैकेज घोषित होता था और उसे बीच में ही लूट लिया जाता था। PM मोदी ने कहा, विकसित भारत के लिए गांव की अर्थव्यवस्था का सशक्त होना बहुत जरूरी है। अब की बार